अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े। अब हमारा जो सीएसएफ का सिलेबस है उसमें सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एरोमेटिसिटी। तो हमारी कोशिश होगी ये दोनों टॉपिक्स आज खत्म करके चैप्टर पूरा क्लोज कर, ठीक है ना। फिर अगले 2 दिनों में इंशाल्लाह मैं एक और चैप्टर करवाऊंगा और हफ्ता 2 दिन उसका टेस्ट होगा, 2 चैप्टर, ठीक है। तो हमने साथ साथ इसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें ओरिएंटेशन भी आती है और रिएक्टिविटी भी आती है। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो अगर डाई सब्स्टिट्यूशन होगी तो डाई सब्स्टिट्यूशन के वक्त जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए, जरा गौर करें, ये हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, वो किसी भी पोजीशन पे लगा हुआ है। अब उसकी जब आप रिएक्शन करवाएंगे किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, ठीक है ना, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, यानी ई एक सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड वन, तो आप जरा गौर करें तो आपकी ना तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, तीन तरह के प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। वो तीन तरह की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस पोजीशन पे हो सकती है, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको कहते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो, क्योंकि जो पहला सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके जो अगली पोजीशन होती है साथ वाली उसको ऑर्थो कहते हैं, उससे आगे वाली को मेटा कहते हैं और उससे आगे वाली को पैरा कहते हैं। अच्छा, इसका अब एक इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इस पोजीशन पे जाके लग जाए, दिस इज कॉल्ड मेटा प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं मेटा प्रोडक्ट, ये मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा, ठीक है ना जी, एक पॉसिबिलिटी और भी है कि आपका जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो पैरा पोजीशन पे जाके लग जाए, दिस इज पैरा प्रोडक्ट। और तो मेटा और पैरा, ये तीन तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। जब भी डाई सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये तीन तरह की प्रोडक्ट जो हैं वो पॉसिबल होंगी, और दो मेटा और पैरा। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये है, यानी चांस ये है कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी 40%, मेटा बनेगी 40% और पैरा बनेगी 20%। वजह क्या है, ये 40 40 20 की क्यों पॉसिबिलिटी हमने बनाई है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा मेटा पोजिशन करीब है और पैरा पोजिशन थोड़ी दूर है, तो जब डाई सब्स्टिट्यूशन होगी तो करीब ज्यादा चांस है सब्सिक्वेंट के अटैच होने का, दूर अटैच होने का चांस कम है, चांस ही है। लेकिन अब हम देखेंगे, हाँ दैट्स इट, ये तो हमने चांस निकाला ना, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा वाकई होता है या नहीं होता। इसके लिए हम एक रिएक्शन करवाते हैं। हमने ये ली फिनोल, ये है जी फिनोल, ठीक है, इसकी हमने करवानी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए नाइट्रिक एसिड और इसको हमने हीट किया थोड़ा सा। तो बच्चों, दो तरह की प्रोडक्ट्स बनेगी, एक प्रोडक्ट बनेगी जिसमें जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो ऑर्थो पोजीशन में जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रो
फिनोल, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होता है, पैरा नाइट्रो फिनो। अच्छा ये बनी है 57% और ये बनेगी 43%। बच्चों इसमें तो मेटा प्रोडक्ट बनी कोई नहीं, हालांकि हमने जो प्रोबेबिलिटी का रूल निकाला था उसके मुताबिक कितने परसेंट मेटा प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, 40%, लेकिन यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट जो है वो बन ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी वाला रूल है दैट इज नॉट ट्रू। आने वाला सब्सिट्यूएंट यानी सेकंड सब्सिट्यूएंट ऑर्डो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा, इसका डिसीजन करेगा पहले वाला सब्सिट्यूएंट। ठीक है, ये सब्सिट्यूएंट ऐसा है OH जिसने आने वाले नाइट्रो ग्रुप को ऑर्डो और पैरा पे लगाया है, मेटा पे लगने नहीं दिया। ठीक है, इसी तरह कुछ सब्सिट्यूएंट ऐसे होंगे जो ऑर्डो और पैरा पे सब्सिट्यूएंट को लगने नहीं देंगे, मेटा पोजीशन पे लगने देंगे। इसका मतलब है कि दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्सिट्यूशन हो चुकी हुई है तो वो जो सब्सिट्यूएंट पहला लगा हुआ है ना, हमें उसकी रीजन को देखना पड़ेगा कि अब आगे ओरिएंटेशन किस तरह हो, आगे डायरेक्शन किस तरह जाएगी, आपका सब्सिट्यूएंट जो नए वाला लगना है वो कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हमने पढ़ना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और उनकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नाइट्रो मेटा भी लग सकता था ना, मेटा भी क्यों नहीं लगा, क्योंकि OH ग्रुप ने उसको लगने नहीं दिया। अब इसका मतलब है हमें इस रिएक्शन से चीज समझ में आ रही है कि ये जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि ये ऑर्डो और पैरा में सब्सिट्यूएंट को लगने दे रहे हैं, मेटा में लगने नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्डो पैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स। अब मैं आपको पढ़ा देता हूं ऑर्डो पैरा डायरेक्टर्स। अच्छा बच्चों ऑर्डो पैरा डायरेक्टर्स डेफिनेटली नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये वो डायरेक्टर्स हैं या वो ग्रुप्स हैं जो आने वाले ग्रुप को अटैच करेंगे किस पोजीशन पे, ऑर्डो और पैरा पे। लिख लें कि दोज ग्रुप्स विच डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है हदायत देना, उनको तसीयत करना या भेजना, direct the incoming groups यानी जो आने वाले groups हैं to attach themselves to the ordo और पैरा पोजीशन दोज ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू अटैच देमसेल्व्स टू द ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। यानी ऐसे ग्रुप्स जो आने वाले ग्रुप्स को डायरेक्ट करेंगे आपने ऑर्डर पोजीशन पे लगना है या पैरा पोजीशन पे लगना है या दोनों पे लगना है, उसको हम कहेंगे ऑर्डो पैरा डायरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स देने लगा हूं आपको, ठीक है ना, कि ऑर्डो पैरा डायरेक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर लें खासतौर पर, पर्टिकुलरली जैसे कि एग्जाम्पल्स में
NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, अमाइनो, हाइड्रोक्सिल, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो और ब्रोमो, ये पांच ग्रुप्स जो हैं, ये छह ग्रुप्स ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करते हैं कि आपने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होना है, मेटा पोजीशन पे नहीं जाना। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। द रीजन इज दैट, क्या है रीजन इसकी मैं वजह बताता हूँ, आप इसको जरा लिख ले पहले। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के वाले से कि जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, उनकी मजीद सब्स्टिट्यूशन आसान कर देते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर रिंग एक्टिवेटर्स, रिंग एक्टिवेटर्स फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन, यानी ये रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, मजीद सब्स्टिट्यूशन आसान बना देंगे। अच्छा, और दूसरी बात, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, टूवर्ड्स रिंग, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कैसे देते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये दो बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है, ये सारे, ये सारे क्या करेंगे, ये रिंग को मजीद एक्टिवेट कर देंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि रिंग के ऊपर हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लग गया, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकला था तो ये OH लगा था पहले, फिर मजीद हाइड्रोजन निकला था नाइट्रो लग गया था, यहाँ पे भी यहाँ सब्स्टिट्यूशन का कल आपने लेक्चर मिस किया है, उसमें ये होता है कि हाइड्रोजन बेंजीन में से निकलता है और उसकी जगह पे आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ गई बात? अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा कैसा ऐसे होता क्यों, जरा गौर करना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये कॉन्सेप्चुअल भी। मिसाल के तौर पर एक बेंजीन है, इसके साथ बच्चों लगा हुआ है NH2 ग्रुप, अब जब NH2 ग्रुप लगेगा, ये NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, अब बच्चों ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर देगा, ये शुरू हो जाएगी रेजोनेंस। अच्छा, जरा गौर कर लो, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया NH2, NH2, NH2। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, और NH2 इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अच्छा, आप जरा गौर करें, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे मूव, लो बच्चों अब जरा गौर करना, ये अब मैं अगला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इससे आगे वाला, ये देखिए बच्चों गौर करें, अब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक डबल बॉन्ड इधर आ गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, डबल बॉन्ड आ गया था, ये डबल बॉन्ड आगे चला गया था। अब जरा गौर करें आगे क्या हो, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ और ये इस तरफ, ये चौथा स्ट्रक्चर बन, ये इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH,
अच्छा अब जरा गौर करें, आखिरी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं, इसका आखिरी रेजोनेंट स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर जाएगा, तो ये आप इसका आखिरी स्ट्रक्चर देखें, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और ये NH2 दोबारा वैसे ही बनते। अब मुझे ये बताएं, ये पांच रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 कई तरह गौर करें, इधर गौर करें, इन पांचों स्ट्रक्चर में आपके ख्याल में नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशंस पे बढ़ा है? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो। और अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर रहा तो फिर कहां अटैक करेगा? या ऑर्थो पे ही पैरा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो व्हाई द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। तो अब आपको बात समझ आई कि ऑर्थो पैरा अटैक करता क्या है? वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जब भी सब्स्टिट्यूट अटैक करेगा दूसरा, वो प्रेफरेबली ऑर्थो और पैरा पे करेगा। तो अपन यस, क्योंकि वो है ही इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, तो उसने हमेशा ऑर्थो पैरा पे अटैक करना है, यानी जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को वो ऑर्थो पैरा अटैक करेगा। वो आने वाला सब्स्टिट्यूट कहां लगेगा उसका? ऑर्थो पे या पैरा पे। ये क्लियर हो गई, ये एग्जांपल नंबर 1 है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, ये हमने पहली एग्जांपल ली है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के बाद। अब आपको छोटा सा काम मैं दे रहा हूं, ये है फिनोल, ये फिनोल है, और आपसे अगर पूछा जाए कि आओ OH ग्रुप इज How OH group is ortho para director prove करें, तो अब आप इसके resonating structure बनाएंगे, अभी check कराएंगे। I have given you 3 to 5 minutes, 3 से 5 minutes के अंदर ये इसके resonating structure बनाएं phenol के, और मुझे बताएं कि ये कैसे ortho para director है। दिला रहा है, आप भी सुन रही हैं, आप भी please बनाएं। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो डेफिनेटली वो एस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इधर से रिंग में कोई प्रॉब्लम आई है? ये जब नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, वापस चला गया।
हाँ तो एंड वाला देखिए ना इसमें, हाँ डेफिनेटली ओके, रिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये इधर चला गया, डबल बॉन्ड आगे चला गया, ये नेगेटिव हो गया बच्चे, ये डबल बॉन्ड है ना, ये सारी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे इसने ना, नहीं आप देखो ना ये डबल बॉन्ड है ना, अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो किसने वापस जाना, रेजोनेंस होती ये है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम जो करते हैं तो आगे फिर आगे चले जाते हैं, तो ये वाले जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जाके लोन पे बना देंगे, एक बार डेफिनेटली सिग्नल हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चले तो गए, अब ये लोन पे चला गया ना ऊपर चला गया वापस, यहीं से तो ये डॉन पे नीचे आया था डबल बॉन्ड बना। तो पीछे डबल बॉन्ड बाकी कैसे लगे? नहीं, अब देखो ना ये डेफिनेटली, अब जरा गौर करो, ये डबल बॉन्ड इसलिए, ये जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे ना, वही इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड रहेगा ना इसलिए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो, तीन। जब कोई भी एटम अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, ये जिसका मतलब उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, एक और एक दो और दो, ये चार्ज है चार यस, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, ये स्टेबल नहीं है अनस्टेबल है ठीक है। अच्छा बात समझ में आई, अच्छा इसी तरह एक एग्जांपल है, मैं ये इसको रब करने लगा हूँ कुछ भी ले लेते हैं ताकि ग्रुप वगैरह में शेयर कर दी होगी, हाँ जी पांच 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 बना लिया आप, अच्छा अब देखें एक जो मैंने यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की एग्जांपल दी उसमें मैंने एक मिथाइल ग्रुप भी लिया हुआ है, तो वो जरा देखिए उसमें कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के तौर पे काम करता है ये। अच्छा बच्चों ये आप याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, अल्काइल वो यही है मिथाइल इथाइल वगैरह वगैरह, ये याद रखिएगा बच्चों कि ये मैं बना रहा हूँ, इनमें हालांकि लोन पेयर होते ही कोई, ये लगा हुआ मिथाइल, ये है CH2 और ये है H ठीक है ये। अच्छा अब ये आपने याद रखना है कि इसमें लोन पेयर तो है कोई नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा रिंग को, तो यहाँ पे होता ही है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो ये इधर मूव कर देता है और इस ये आगे मूव कर जाता है, ये हालांकि यहाँ पे नॉन पेयर नहीं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या कहते हैं, हाँ ये आप याद रखिएगा कि अगर पाई बॉन्ड के अलावा सिग्मा बॉन्ड जो है वो आगे मूव करना शुरू कर दे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स में होती है, दे कैन डू इट, इसलिए याद रखिए अल्काइल ग्रुप्स को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हालांकि इनके पास नॉन पेयर मौजूद नहीं होता। अब जरा गौर करें आगे वही है, इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, सिर्फ अल्काइल ग्रुप, ये देखेंगे नेगेटिव चार्ज, इसके बाद आप ये देखिए ये डबल बॉन्ड CH2 और ये जो हाइड्रोजन है ना ये साथ साथ ही रहेगा, ये रहेगा साथ साथ ही ठीक है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एच फोर, लेकिन ये इसी फैसिलिटी के अंदर रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसे ही होगा, और ये भी देखिए जी ये इसके स्ट्रक्चर पर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, गए फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे ये आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब इसका अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ये आ ठीक है, अब जरा गौर करिए ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज और ये CH2 और H पॉजिटिव,
अच्छा बच्चों जरा गौर करें, अब इसका आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, इधर से मुराद कार्बन का हाइड्रोजन से दोबारा बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2 और ये H। अब जरा गौर करो, इसमें भी हालांकि इसके पास नॉन वेव नहीं था लेकिन ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने बढ़ा दिया है, इसलिए जो अल्काइल ग्रुप होता है वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। समझ आ गए? इसका मतलब है आज के बाद अगर कहीं पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लगा होगा बेंजीन रिंग पे तो आप दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप ये कहेंगे जी कि इसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया है, एक बात, और दूसरा आप ये कहेंगे इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर दिया, ठीक है। और वो कौन से ग्रुप है? OH, NH2, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो और अल्काइल ग्रुप्स। ये 6 ग्रुप्स हैं जो मैं शुरू में आपको एग्जाम्पल उसकी दे चुका हूं। इज इट ओके? क्लियर? एक चीज को 2 मिनट देखें फिर मैं पढ़ाता हूं मेटा डायरेक्टर्स। यहां पे नॉन पेयर नहीं, यहां पे सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर, इसको कहते हैं सिग्मा रेजोनेंस। हालांकि पाई बॉन्ड जरूरी होता है लेकिन ये अल्काइल ग्रुप में एक ऐसा केस है स्पेशल जिसमें सिग्मा बॉन्ड आगे मूव कर पड़ता है। हाँ, पिछले वाले जितने भी थे उसमें नॉन पेयर आगे डोनेट हो रहा था, सिर्फ इसके केस में सिग्मा होता है। क्लोरीन में भी नहीं, क्लोरीन में भी जो नॉन पेयर होते हैं ना, आप देखिए आगे चले। जब भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आगे जम भी आगे मूव करना शुरू कर दे, उसको कॉन्जुगेशन मिल जाती है ना। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल सिंगल सेटअप मिल जाता है, तो जब डबल सिंगल सेटअप होगा तो फिर आगे मूव करना शुरू कर दे, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं ना होते इसलिए, और खासतौर पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया होता है वो तो बिल्कुल स्टैटिक नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी मेटा डायरेक्टर्स। मार्कर में मैं एक बात ना, क्योंकि मेरे पास कलर्ड मार्कर पड़े हुए हैं वो ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आने। ग्रुप्स विच डायरेक्ट दी incoming groups to attach themselves to the meta position of the ring are called meta directors, यानी ऐसे ग्रुप्स जो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी पोजीशन पे लगवाएं? मेटा पे, उनको क्या कहेंगे? मेटा डायरेक्टर्स। अच्छा, इसमें याद रखना आपने सबसे पहली बात, मेटा डायरेक्टर्स आर रिंग डी
एक्टिवेटर्स, ये रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। थोड़ी देर तक एंड द सेकंड थिंग इज दैट मेटल डिटेक्टर्स आर रिंग डीएक्टिवेटर्स। सेकेंडली मेटल डिटेक्टर्स विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स from ring towards themselves, यानी ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके जाते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। वो जो थे वो इलेक्ट्रॉन रिलेटिंग थे, they were donating the electron towards ring, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं जी, विड्रॉ। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूं, एग्जांपल्स इसकी सुन देख लें। नाइट्रो ग्रुप है NO2, COOH ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, ये चार के चार मेटल डायरेक्टर्स और एल्डिहाइड ग्रुप भी। और ऐसा कार्बोनल ग्रुप जिसके दूसरी तरफ अल्काइल है। ये बच्चों पांच के पांच जो हैं ये रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स देमसेल्फ, ठीक है। और ये रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं, ठीक है। कैसे करेंगे ये बताता, ठीक है। ये है जी बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये लगा हुआ है इसके साथ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर ये होता है, गौर कीजिए, इसके साथ एक डबल बॉन्ड होता है और एक, ठीक है जी, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है, ये होता है नाइट्रो, ठीक है। अब जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें लाने लगे, जरा गौर कीजिए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अब यहां से बच्चों जरा गौर करो, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस तरफ और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देंगे आप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस में डबल बॉन्ड लेके मूव करता है, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड एंड ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, ठीक है। और ये इसको पॉजिटिव चार्ज से, अब जरा गौर करें बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव। अच्छा, आप जरा गौर करें, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर देंगे, रेजोनेंस स्टार्ट हो गई। आप जरा गौर करें, ये तीसरा स्ट्रक्चर, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, बाकी वैसे का वैसे, बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको खत्म करने के लिए यहां से फाइव इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करें, जरा गौर करो, पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर, ये बॉन्ड और ये। अब क्या होगा, अब आखिरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पॉजिटिव खत्म होना है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ,
ये इलेक्ट्रॉन इस तरह, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज बॉन्ड। अच्छा, अब इन पांचों स्ट्रक्चर पे गौर करो, इन स्ट्रक्चर में हुआ क्या है? इनमें हुआ भाई ये है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो गई है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैक करेगा? मेटा पर, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन वन थिंग इज क्लियर दैट दीज ग्रुप्स हैव मेड द रिंग डीएक्टिवेटेड। इन्होंने डीएक्टिवेट तो कर दिया है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के पास इज ओनली चॉइस इज दैट इट विल अटैक ऑन मेटा पोजिशन पर। क्लियर? सो इस तरह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करना है। अब मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूं, छोटी सी एक्सरसाइज आपने करनी है। ये है कि साइनाइड ग्रुप, ठीक है, इसके आपने रेडिकली स्ट्रक्चर देखे। ये है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में मैं आ रहा हूं। इसमें सबसे पहला मैं आसानी कर देता हूं, ये इधर मूव कर जाएगा और वो इधर मूव कर जाएगा, आगे आपने चला लें, ठीक है। लेट्स सी, देखिए 5 मिनट में, 5 मिनट्स, वो कितने देगा?